क्या ये बंद करो क्यों ना इसी में बोल करना खाना ना हेलो माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप सभी लोग आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस सबसे पहले मेरा नमस्कार और पहला तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन के 12:30 बजे से। और खाना पीना हमने आज जल्दी खा लिया था और बना भी जल्दी लिया था। तो लकू और लकू के पापा हैं घर और गुंजनर में जा रहे हैं हम मार्केट क्योंकि इसके पापा का जो डाटा केबल होता है ना मोबाइल का जैसा मेरा था वैसे ख़राब हो चुका है। तो उनके लिए भी डाटा केबल लेने के लिए जा रही हूँ मैं और मुझे सैलून भी जाना है अपने लिए शैम्पू और कंडीशनर लेने के लिए क्योंकि मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया है तो वही लेने के लिए जा रही हूँ मैं। मैट्रेक्स का यूज़ करती हूँ तो उसी को लेने के लिए जा रही हूँ। वहाँ लोकल पर मिलता नहीं है सिर्फ पार्लर पर मिलता है वो तो वहीं जा रही हूँ मैं। और मौसम भी इस तरह का हो रखा है देखे होंगे आप आज उसे अलर्ट कर रखा था लेकिन बारिश हुई नहीं हल्की हल्की धूप लगी है। तो हम लोग चलते हैं और आपको मिलती हूँ मैं आप सीधे सैलून में और मार्केट में नहीं मिलूँगी मैं। क्या पता मिल भी सकती हूँ ऐसा नहीं कह सकती मार्केट में नहीं मिलूँगी मैं लेकिन हाँ जो होगा दिन भर में आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ आज 3-4 दिन मतलब कि बहुत टाइम गैप हो गया शायद मुझे भी लग रहा है। हस्बैंड भी आ गए थे 11 तारीख को लेकिन मैं उस टाइम ब्लॉग बनाई नहीं गई तो तबीयत ख़राब हो गई तो फिर बनाया नहीं मैंने ब्लॉग। और अब से सोच रही हूँ कि रोज़ बनाऊँ। अगर आपको मेरी ऐसी ब्लॉग जैसे मैं बनाती ना ऐसी ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं रोज़ बनाऊँ रोज़ डेली ब्लॉग डालूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद रोज़ डेली रूटीन का मेरा ब्लॉग पसंद नहीं आता होगा इसलिए मैं खुद ही नहीं बनाती हूँ। तो अगर आपको आते हैं जब तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना ताकि मैं रोज़ बनाऊँ। और गुंजन देखिए छाता खोल रही है पीछे से ये धूप में ना निकला करूँ रूप की रानी। तो गैस चलते हैं और हमको ना यहाँ से थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता है जो सबसे ख़राब लगता है मुझे धूप में। स्कूल भी यहीं से जाते हैं बच्चे तो वैसे नज़दीकी लगता है स्टार्टिंग में तो दूरी लगता था मुझे यहाँ से मिला डिफेंस कॉलोनी गेट तक अब नज़दीक लगता है थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं लगता है गुंजन को। तो चलते हैं और मेरा ना ये हाथ ना मोबाइल पकड़ के दर्द कर रहा है। तो गाइस मिलते हैं हम आपको आगे क्या क्या होता है वो सब दिखाएंगे। फिलहाल बने रहे हमारे ब्लॉग में। खरीद लिया है क्या डाटा केबल और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी कलरफुल चूड़ियाँ हैं। और यहाँ लगा है सेल 10 की 20 की सब सेल लगा है यहाँ देखते हैं कुछ पसंद आता है तो। गुंजन तो छांटे में लग गई क्या छाट रही बाबू है कुछ ऐसा चीज़ है जो एक्टिविटी के काम आए स्कूल में मंगाते रहते हैं ठीक है ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो गैस यहाँ ना सेल लगा है ये प्लास्टिक सामान का सेल पर्स देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं। बाजार घूम के आगे और गुंजन को लगी है वो तो यहाँ पे बना रहे हैं भैया लस्सी ये भी फसवाण है भैया भी हमारे कपड़ भराड़ी के ही हैं भी वाली सर के। जब भी हम यहाँ आते ना यहीं पे आते हैं लस्सी पीने के लिए लीजिए बाबा कैसा रहा हम पहुंच चुके हैं कुछ खेड़ा चौराहे पे और देखिए बारिश होने लग गई हमको यहाँ पहुँचते और सैलून हमको दिख गया यहाँ पे मेन गाइस। हम चलते हैं अंदर पहुँच गए आज
का ना इन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, यही है यही है। हेलो भैया, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं बढ़िया हूँ। और सब बढ़िया? सब बढ़िया मैम। तो ये रहा भैया का न्यू सैलून, देखिए पूरा चेंज हो गया। अभी लाइट नहीं मिल रही है, अभी तो झूमरों में लाइट बंद कर रखी है। लाइट नहीं आ रही मैम। अच्छा, लाइट नहीं आ रही, तो बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। और गुंजन भी आ गया आज तो देखने के लिए। हाय, कैसे हो गुंजन? तो देखिए काफी अच्छा लग रहा है। मुझे शैम्पू लेना था, शैम्पू कंडीशनर, तो लेके आ गए भैया यहाँ पे शैम्पू और कंडीशनर मैट्रिक्स का। हेयर फॉल भी अच्छा है, पर हेयर फॉल रुक नहीं रहा है मेरा। तो गैस हम आ गए सैलून से और अभी गए हम डेयरी में। मदर्स डेयरी है ना भैया ये? तो यहाँ सामान कहाँ से आता है? दिल्ली से। और मैंने पनीर खरीद लिया, ये रहा पनीर, खुला पनीर मिल जाता है यहाँ पे, और हर आइटम मिल जाता है ना डेयरी का यहाँ पे, जैसे दूध दही। देख ये है डेयरी और ताज़े ताज़े ब्रेड। पिज्जा बैठ सी क्या खरीदी तू? हम पिज्जा बनाते ही नहीं। बस हम लोगों ने सब कुछ खरीद लिया, पनीर भी खरीद लिया, शैम्पू भी खरीद ली, और जो जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया हमको। और देखिए मौसम भी साफ हो गया है अच्छी तरह से, बारिश रुक गई है, तो टेम्पू मिलती है, तो यहाँ से हम चलते हैं सीधे घर को। और गुंजन देखिए खड़ी है भैया, सीधे चलेंगे टेम्पू वाले बिना किन रहे हैं। तो मेरे पीछे रहा डेयरी है, तो गैस चलते हैं और मिलती हूँ आपको मैं सीधे घर पे। इसमें चलते रेड डिफेंस को होनी। तो गैस हम लोग पहुँच चुके हैं वापस अपनी कॉलोनी में, और मैंने आप लोगों को ना हस्बैंड जैसे भी नहीं मिलाया, क्योंकि मैंने रास्ते से ही की ना ब्लॉकिंग की स्टार्टिंग, तो अब मिलाऊंगी मैं आप लोगों को। और क्या कर रहे हैं दोनों देखते हैं अंदर जाके, वहाँ पे देख दो कितना बड़ा गाय आ रखा है गुंजन, तो देखे गैस इतने बड़े बड़े गाय पैर घूमते ना, ये दूर से इतना बड़ा दिख रहा है, पास हो गया पूरा भैंस से ज़्यादा बड़ा है हाथी। गेट लगा, वॉचमैन गेट लगाओ। हेलो लक्कू। तो कैसे है रहा लक्कू, क्या कर रहा था तू? बारिश में कुछ ना हो, कुछ नहीं है बस पनीर है। हवाई जहाज में वो आपने भेजी थी बुक करके, वहाँ पे यही बोत रहे, यहाँ पे लैंड हुए। तो ये रहे हस्बैंड जी। हाय, हेलो बोलो। मैंने क्या क्या लेके आए फिर? हेलो बोले ऐसे थे मम्मी। हाँ, ये कपड़े मत कर, पैसे पूरे नहीं हुए। अरे कपड़े उठा दे, किसने उठाए कपड़े? और हैं अच्छा, धन्यवाद, आपका धन्यवाद है। कुछ नहीं है, यही सामान है बस। अब मॉल भी जाते, बारिश होगी, आज बनेगा हमारा पनीर, खुला पनीर है डेरे से लेके आए हम। मम्मी मामला मिलके क्या ये बंद कर दो? क्यों ना इसी में बोल करना खाना ना इसी में यार, ये भी ऐसे कुछ नहीं ना, बोल मैं शुद्ध ना ना इसी में बोलो जो बोलना है। नहीं तभी तो शुद्ध देखेंगे गाइस, लोग देखेंगे, गाइस लोग भी देखेंगे ना लोगों क्या बोलना चाह रहा करके, बोलो हैं 48। तो गैस घर आके हम बना रहे अभी शाम का नाश्ता, क्योंकि हम लोगों के लिए कुछ नहीं लेके आए थे ना। क्या लेके आए थे? सोने का कड़ा लाया हुआ मेरे लिए, कोई हाथ काट गया लोगों तेरा? कंगन से ढंग दूंगा। किसे? कंगन हाँ काटेगा ना? हाँ तो मार दूंगा इसको। तो वैसे गुंजन चाय बना रही है और यहाँ पे बन रहे हमारे पॉपकॉर्न।
गाइस को खिल हो गया, खा दिया गाइस ने, नाउ मुझे खिला दो। और भी आगे गैस में मिल रही हूँ आपको सीधे शाम के टाइम में से, अभी रात के 9 बजे और हमारा खाना पीना हो गया है और हस्बैंड जी गए हैं वॉशरूम और लक्कू और गुंजन है यहाँ पे सोने के लिए तैयार। तो गैस सो जाते हैं और आप सभी को गुड नाइट। अगर आज की ब्लॉग पसंद आती तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूँगी जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ, जल्दी ही कहती हूँ लेकिन 4-5 दिन गैप छोड़ के मिलती हूँ, कोई नहीं लेकिन जल्दी मिलने की कोशिश करूंगी, नई ब्लॉग को जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।